Yes. Come now, bhai. Come, come. Roger. Yes. Aajao. Yeah. I forgot your name. Amrita. Amrita, I'm sure. Yeah. So excited today. Aaj my golden global film. Global, awards. Sorry. Yeah. Okay, Rakhi ma'am, sabse pehle to aap bahut hi khoobsurat lag rahi hain. Thank you. Aur kya kehna chahenge aap red carpet hai Global Fame Awards mein? ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ थैंक्स टू अमृता फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड टू टेक माय अवार्ड एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविजन ऑन बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन एवरीवेयर इंडिया अमेरिके वर्ल्ड फेमस होते हो आप तो एंड इफ यू आर गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यू फील सो प्राउड यू फील सो गुड मैं तो पानी पानी हो गई लवली हाँ एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं पर आपके मतलब नजर में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा ओह वाओ कौन है वैसे तो सब अपने अपने कैटेगरी में तो देयर सो मेनी एंटरटेनर सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी एवरीबडी इज़ अ एंटरटेनर बट मैं फायर हूँ फायर आई एम अ फायर नॉट फ्लावर या आई एम नॉट फ्लावर आई एम अ फायर देखिए मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी बट मुझे इतने अवार्ड आते मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी लाइक आईफा हो फिल्म फेयर हो या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में एंड सब में परफॉर्म किया मैंने बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डालते थे बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ग्लैमरस के लिए डिवा के लिए आइकॉन के लिए नाउडेज इट्स अ स्टाइल सो ट्रेंड सो अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड एंड हु इज गिविंग अवार्ड नेहा धूपिया शी इज हॉट हैपनिंग मैं अवार्ड लेकर आऊं फिर लॉकअप की बात करते हैं पक्का आई प्रॉमिस मैं अवार्ड लेकर आती हूं फिर मैं लॉकअप की बात करती हूं ठीक है ना आऊं मैं अवार्ड लेने आऊं शी इज कम ओके स्टार्ट ले लो वेयर यहां पे लो ना यहां पे आ जाओ रुक कम व्हाट इज योर नेम सोनू सर ये अपने आपने ये किया हां ये लगाया वहां पे हां इधर ये बाहर उधर नहीं सो विल गो टू दैट कॉर्नर हां टू इट योर ना मैं ओवर से ठीक है नहीं 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 नीचे लो लोगों के पीछे करो ठीक है वहीं पे करो हां ठीक है साइड हो जाओ क्या करना है सोनू जल्दी बताओ ना मैं चौपर के बारे में आता हूँ अपना अदरवाइज वेट फॉर टू मिनट्स ना एक दो मिनट नहीं नहीं दो मिनट रुक जाना प्लीज
अच्छा ठीक है, खत्म कर दो, खत्म कर दो चौक पर। कहना तो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। बहुत अपने काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है और जब सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आपका काम पसंद आ रहा है, अवार्ड के ज़रिए ये कहना चाहें, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने मुझे पॉलिटिकली वेलकम किया है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया है, तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी आज ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स में मुझे आई थिंक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, सो मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोग मुझे वापस एक अवार्ड वो दे रहे हो। और आपकी मम्मी आई है? हाँ, मेरी प्यारी मम्मी आज आई लंदन से, मतलब बिग बॉस के बाद मैं मम्मी को मिला नहीं हूँ, बट आज कल रात को मम्मी आई है, उस आके ही रो रही है मुझे देख के तो मुझे अच्छा लगा मम्मी मेरे साथ अभी। You expected mother. I mean, it's a big platform, na. Big Boss is a very big platform, and we thought it's going to be tough for him, but he's done it. और आगे की क्या प्लानिंग है आज? आगे मैं एक शो कर रहा हूँ, जो उसके ट्रेनिंग अभी शुरू होगी मेरी, और I think by May should be announced. क्या हो रहा है? Thank you so much. अमृता, कलर सूट कर रहे ना? या तू सबसे पहले बोलना है कलर कलर मैं भी इस तरफ आती हूँ।
फिर आप सेंटर में आ जाइए प्लीज। अच्छा चलिए 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 चलिए। हाँ रवि किशन जी, बताइए आप लोगों को क्या लगता है क्या मिलने वाला होगा? हाँ जैसे हम जोड़ी में ही रहते हैं, हम काम धंधा तो कुछ करते नहीं। नहीं यार कुछ और अवार्ड देने वाले हैं, नॉमिनेशन तो कुछ और के लिए हुआ है तो देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे लिए गलत सवाल है, इनको पूछिए। See, I think awards are like जैसे एक त्योहार होता है या फिर कुछ भी एक अच्छी सी चीज़ होती है, इट्स लाइक वेयरिंग क्लोथ्स। सो वट एवर टैलेंट यू हैव उसका जब आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए अवार्ड वही मायने रखता है कि उस मेहनत को सराहा लोगों ने और उसके लिए सिर्फ हमें एक खूबसूरत सा इनाम दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के। प्यार मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको बहुत इंटरेस्ट है। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। तो सर आपको कुछ मुश्किल हुई मैच होने के लिए, मतलब मैम के साथ आने की? हमेशा मुश्किल होती है यार, मेरे को इधर कोई हाय भी नहीं बोलता, इनको ही देखते रहते हैं। हम आपको हाय बोल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम, प्लीज कम। Tina's waiting over there. मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू ग्लोबल फेम अवार्ड्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए एंड नॉमिनेट करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फॉर माई डेब्यू इन वेब सीरीज़ एंड दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड इन माई डेब्यू इन वेब सीरीज़। आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। हाँ आई थिंक ऑफलेटली ना मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करने लगी हूँ, बहुत सिंपल रहने लगी हूँ मेकअप वाइज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई जस्ट थॉट विल कीप इट वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल सा माइकल कॉर्स का ड्रेस पहना है एंड जस्ट अ हाई बन एंड दैट्स इट। मतलब आई थिंक लेस इज मोर नाउअडेज, सो आई ट्राई टू कीप इट वेरी मिनिमलिस्टिक। I am, one project is lined up. I am going to Indonesia next month for 1 month for a project. And then after that, once I come back, another web series is lined up. So I'm really, really excited and looking forward to it. A lot of fans are waiting for you to go into the Boss House. I know Big Boss ki bhi baatein chal rahi thi last year bhi, har saal meri baatein chalti rehti hai. So I think Big Boss ke saath mera pyar bhara rishta hai. So definitely bahut jald dekhte hain. Thank you so much. Thank you everyone. Hi guys.
हाय एवरीबॉडी, आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर टू बी नॉमिनेटेड अमंग सच टैलेंटेड पीपल एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव लव्ड ऑल माई लाइफ. तो जब एक नॉमिनेशन या एक अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. सो खुश बड़ी हूँ मैं, आई जस्ट से दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई फील लाइक अ 5-year-old चाइल्ड. तो आपको एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है, मैंने अपना एक्साइटमेंट में आज हाथ ही तोड़ दिया. मैं स्लिप हो गई थी आई थिंक, वो इतनी एनर्जी हो गई थी तो उस चक्कर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बातचीत करें, बताइए. या ग्लोबल फेम ना, ग्लोबल फेम अवार्ड्स एंड द कंपनी इज योर्स, वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट. आपको क्या लगता है होना चाहिए ना कॉमेडी में, वही होगा फिर. तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप, अभी पता चल जाएगा. कुछ तो सच में क्या आएगा, बनता है सर बताएंगे. और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ, एक ही चीज तो आती है मुझे. कॉमेडी के लिए है भाई. हाँ कॉमेडी. अरे हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है. आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज भी जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे. तो अब कोई नया आता है जैसे लाइक रामचरण और जूनियर एनटीआर, ये लोग हमारे लिए भी नए थे बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में. अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है, एंजॉय कीजिए. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग तो वही है, द कपिल शर्मा शो है, वो आप एंजॉय कीजिए. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सर एक सवाल है, अक्षय सर काफी नाराज है कपिल सर के ऊपर, उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, मैंगो वाला सवाल को लेके जो प्रधानमंत्री को लेके. कुछ दिनों में अभी हमारी शूट है उनके साथ बच्चन पांडे के लिए, तो अगर नाराज होते तो हम शूट ना कर रहे होते साथ में. ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी भाई, ये ऐसे ही बातें थी. नहीं नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. यहाँ पर अभी तो क्या मैं, हाँ नो नो डोंट डू सेपरेट बाइक. आप इधर से आएंगे. हाँ जी, हाँ जी, इधर से. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन.
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की शाम को लेके, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ग्लोबल अवार्ड्स में नॉमिनेशन पाके, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑर्गेनाइजर्स अमृता जी एंड मिस्टर श्रीधर. वेरी एक्साइटेड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में आके, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग इवनिंग. या दैट्स इट. आउटफिट इज वेरी फंकी एंड कलरफुल नियॉन, बिकॉज मुझे बहुत आज ब्राइट फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था. सो हाय हाय अनुषा, हाय. ओ थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच. मैम मैम प्लीज कम. Hello. I think naam mein hi sara jam hai. So I think Global Fame Awards, as you can see, is sponsored by so many people. I think mere liye ek naya award hai jahan main nominate hui hu, to main bahut excited hu. Mujhe pata nahi abhi title kya hai, to yahi log mujhe batayenge main kis cheez ke liye nominate hui hu aur jeet rahi hu to kya jeet rahi hu. I have no idea, but I'm really grateful ki is saal I think I've collected so many awards back to back. तो मुझे लगता है मेरे dad ऊपर से ना blessings दे रहे हैं मुझे हमेशा. Thank you. I think मुझे कुछ different करना था. Usually मेरे बाल हमेशा blow dried या straight होते हैं, and I wanted to go curly because my dad loved my curly hair, and काम की वजह से you know we're always perfect, and I was like today I'm gonna go like Goldilocks. But when it comes to my outfit, I think one of the things the team mentioned was about bravery and courage. Would possibility be a way of me kind of being nominated and winning? I'm not sure yet. So I kind of thought, why not go in an avatar where I look like a badass? And you know, I wanted to look the part, because if I'm nominated for something like that, I mean, I think there's nothing wrong with looking the part you might win or be nominated for. तो मुझे लगा थोड़ा यू नो मिक्स एंड मैच करना चाहिए, एंड व्हाई नॉट व्हेन वी डू इट इन हॉलीवुड, व्हाई कांट वी नॉट बी वेयरिंग गाउन्स ऑन अ रेड कार्पेट इन बॉलीवुड. यस, तीनों फिल्म्स मेरी रेडी हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टिप्सी के लिए. टिप्सी हमारी अभी जा रही है फ्लो पे 19th को. इनकम्प्लीट मैन की डबिंग ख़त्म हो गई है. बैंड ऑफ महाराजा सेट टू रिलीज. तो बस यही है कि बस सब कुछ सही जाता रहे. बाबा दीदी में बाबा जी की मेहर है, एंड आई होप दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट. एंड आप सबको भी ऐसे आप हम सब मिलते रहे हर इवेंट पे. सो मैं ये कहना चाहूँगी आई एम वेरी ग्रेटफुल. और हाँ, काम काफ़ी है, एंड आई थिंक कि दो साल का जो ब्रेक सबके लिए रहा, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, यू नो वी वर्क रियली हार्ड एंड वी ट्राई टू बी वेयर वी वांट टू बी इन बॉम्बे, एंड आशा यही करते हैं कि आगे भी हम और अच्छा काम करते रहें और आप हमारे इंटरव्यूज़ लेते रहें. बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. प्लीज़ कम. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है, जो थर्सडे है, वो
आई थिंक ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और यू नो नाउ आई हैव माई सन विद मी और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी एंड यू नो द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके यू नो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी बहुत मुश्किल था आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं एनी वे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में यू नो ऐसा तो नहीं है कि दो दिन में ख़त्म हो जाता है सो यू नो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी क्योंकि सेकंड वेव तभी ख़त्म हुई थी तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट बट यू नो आई थिंक दैट nothing bless you nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it aur jo sabse bade change makers hain wo aise hote hain jinhone you know specially jis condition mein main thi to give us an opportunity to agar behzad ya roni shruwala ya paashan you know jo aur ashley jo hamare producers aur directors hain agar unhone hame mauka nahi diya hota I think that we'll not we would have never been able to break out of that box or break that clutter ya phir hum kuch kar hi nahi pate I would have just been like taking maternity leave which is not bad but to be able like you must take it if emotionally and clinically you want to take it but I wanted to work and I got a chance so I feel really happy chaliye global film awards ke mauke par hum yahan par present to aap pata hai kitne excited hain aaj ki sham aapko award mil raha hai so जी नहीं मुझे नहीं मिल रहा है बिल्कुल नहीं मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट या टू बी इन अ पोजीशन टू यू नो टू बी द फेस ऑफ ग्लोबल फेम अवार्ड्स और आई थिंक जो जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे हैट्स ऑफ टू देम मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है द पॉइंट इज़ दैट सबने मेहनत की है अपनी फील्ड में मेहनत की है एंड यू नो व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक वर्क हार्डर एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर Congratulations, Tim. Thank you. Thank you very much. No, all the best. Everybody should do well. Thank you. Yes. Yes, excited हूँ क्योंकि nominated हूँ मैं and I hope मुझे award मिले आज तो I'm quite excited and let's see यहाँ से award लेकर जाती हूँ कि नहीं outfit बहुत ज़्यादा beautiful I don't know basic है मैंने अपने brand का outfit पहना है it's just one of the basic gowns which is not that flashy because I always like to go understated with my wardrobe and it's from my brand Amarzu so मैं भी टीवी को मिस कर रही हूँ एंड आई होप मैं जल्दी से टीवी पे आऊँ या फिर कोई तो स्क्रीन पर आऊँ बहुत जल्दी बट इवन आई एम मिसिंग टीवी एज मच एज टीवी इज मिसिंग ऑफर हुए थे मुझे एक दो रियलिटी शोज़ बट वो इतना ज़्यादा लेजिट और इतना ज़्यादा कैद में रखना चाह रहे थे मुझे तो मैं डर गई मैंने नहीं किया है बट अभी फ़िलहाल लेट्स सी क्या ऑफ़र होता है और क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस थैंक यू सो मच थैंक्स सामने इधर ये फोन वाला ये किस तरह आई
अवार्ड्स हमेशा हर आर्टिस्ट को हमेशा इट इज़ मायने रखता है बिकॉज वट एवर एफर्ट्स यू पुट इन टू इट जितना आप करो उसके लिए आपको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा लगता है. सो इन अ वे इट्स ऑलवेज लाइक यू नो अ बैकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन एंड इट्स एन अप्रिसिएशन. थैंक यू. फुली लुक के बारे में मैंने साड़ी पहनी है. आई वोन द साड़ी फ्रॉम कल्कि एंड एक्सेसराइज्ड विद सम लवली एक्सेसरीज. ऐसा लग रहा है कि आपको रैंप वॉक अभी होने वाला है. ऐसा क्यों? मेरे बालों की वजह से? कुछ हंगामा होने वाला है? कुछ हंगामा नहीं होगा. बताना चाहिए मतलब काफी समय भी लगा होगा एक्चुअली. ज़्यादा तो वक्त नहीं लगता है मुझे ड्रेस करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour विद मेकिंग फ्यू बिट्स ऑफ रील्स. आई मीन लाइक जी टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रश नहीं है वापस आने का. मतलब टू आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इंटरेस्ट मी, तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगी. बहुत जल्द होपफुली. थैंक यू. गाइस माइक है क्या? गाइस हेलो. मैं अपना ऑस्कर अवार्ड छोड़कर ग्लोबल फेम अवार्ड लेने आई हूँ मैं आज. थैंक यू. थैंक यू. और मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं. सबसे मिलने जाऊँगी अभी अंदर. आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता चला है कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ तो अपना अवार्ड लेने जाऊँगी. इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. अच्छा लुक तो खैर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी तो मुझे लगा आप जल्दी से तैयार हो के मैं मिस नहीं करना चाहती थी. काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं मेरे यहाँ पर तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट देम एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक. बस एक यू नो ब्लेजर पैंट्स के साथ पहनी हुई है जो कॉम्बिनेशन ड्रेस है और कुछ नहीं. नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट द
आप मुझे बहुत जल्दी मेरे सिंगल वीडियोस में देखने वाले हैं, कुछ गानों को मैं अभी शूट कर रहे हैं, हम अभी नहीं बताऊंगी, बट यस मार्च अप्रैल में हम शूट करने वाले हैं, कुछ सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, तो आप जल्दी उसमें देखेंगे। इवेंट के लिए मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, शोज़ होते रहते हैं मेरे, तो जैसे आपको सबको पता है मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस होती रहती हैं। अब शोज़ शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड, अब परमिशंस मिलने लग गई हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में हम ट्रैवल करते रहते हैं शोज़ के लिए। हाँ मैंने देखा नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैंने देखा है, कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मुझे सारे कंटेस्टेंट्स अभी नहीं पता है, मैं एक बार देखूंगी फिर आपको बताऊँगी, ठीक है? थैंक यू। क्या कर रहे हो आप? आराम से जा। चलो 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 चलो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वाह, कौन चिंगी कौन नहीं? कोई नया सवाल ढूंढ के लाओ आप, इसका हम जवाब भी दे पाए, हम किसी को जवाब नहीं दे पाए। एक्चुअली वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सिस्टर्स ऑफ द ईयर, आई गेस स्टाइलिश सिस्टर्स ऑफ द ईयर। आप सारे लोग हमें इतना प्यार देते हैं, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑल द टाइम एंड ऑल द सपोर्ट, उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं। दैट्स ऑल वी डू। और आप दोनों जब भी आते हैं आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी बात है, बट बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में। वॉट एंड एवरी थिंग सी ईच एंड एवरी इयररिंग, द रिंग इज ऑल्सो सेम, जब तो बहुत मज़ा भी आता है हमें पूरा मिक्स मैच करने में, इट्स वेरी चैलेंजिंग। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में आप? यस इट्स कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी। मार्च इटसेल्फ, इट्स कमिंग दिस मंथ, वो हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा दिस मंथ होगी। लाइक वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड हमें बहुत मज़ा आता है साथ में, हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, चिल करते हैं, चिल करते हैं, सो इट्स लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम, सो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अस। थैंक यू, थैंक यू।